नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ढूंढो केशव कर्वे। नाम? अरे मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ। केशव, ढूंढो केशव कर्वे। तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने अभी अभी 17वां साल पूरा किया है। अच्छा, लगते तो छोटे हो जी। सच बताओ क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। फिर वही झूठ, तुम 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। जी जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरे स्कूल का सर्टिफिकेट देख लीजिए। सर्टिफिकेट? ये लीजिए। ये झूठे सर्टिफिकेट किसी और को दिखाना। चलो चलो, 2 साल बाद आना, समझे? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। अरे कहा ना, आप जाओ। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट। ये घटना सन 1875 के सितंबर मास की है। महाराष्ट्र के मुरूद नामक गांव के कुछ लड़कों ने 6ठी की परीक्षा में बैठने का निश्चय किया। परीक्षा केंद्र सतारा में था। 125 किलोमीटर से भी अधिक का कठिन और ऊबड़ खाबड़ रास्ता पैदल पार करके ये लड़के सतारा पहुंचे तो ढूंढो को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली, हालांकि वो 17 वर्ष का हो चुका था। ये वही ढूंढो केशव कर्वे थे जिन्हें आज सारा देश महर्षि कर्वे के नाम से जानता है। ढूंढो केशव कर्वे स्वभाव से भीरू और संकोची थे, लेकिन उनमें परिश्रम करने और कष्ट सहने की अपार शक्ति थी। सतारा से निराश लौटने के बाद उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की। इस बीच उनका विवाह भी हो गया। परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, फिर भी किसी तरह पैसे का इंतजाम करके ढूंढो केशव कर्वे को बंबई भेज दिया गया। वहां उनकी भेंट नरहर पंत से हुई। दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। नरहर पंत की संकल्प शक्ति का ढूंढो पर गहरा असर पड़ा। कुछ समय बाद ढूंढो केशव के घर से तार आया। उनके पिता चल बसे थे। ढूंढो मुरूद पहुंचे। ढूंढो बेटा, धीरज रखो। माँ, मैं कितना अभागा हूं, अंतिम समय पिताजी की सेवा भी नहीं कर सका। जी छोटा ना करो ढूंढो, माँ को देखो, उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, फिर भी उन्होंने धीरज नहीं खोया। दादा। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? अब कैसी पढ़ाई, जितना भाग्य में था पढ़ लिया, अब यही रहकर आपका हाथ बटाऊंगा। नहीं ढूंढू, ऐसा नहीं होगा। पिताजी चाहते थे तुम पढ़ो लिखो योग्य बनो, वे नहीं रहे। पर मैं जो हूं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम घर परिवार की बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन दादा आप। तुम्हारे दादा ठीक कहते हैं ढूंढू। चलो आप उठो, हाथ मुंह धो लो।
धोंडो केशव बंबई लौट आए। उनके बड़े भाई कुछ रुपए उन्हें भेजा करते थे, लेकिन उससे काम नहीं चलता था। धोंडो ने ट्यूशन करके जैसे तैसे अपने आर्थिक संकट को दूर किया और पढ़ाई में जुट गए। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये वो समय था जब देश में सामाजिक व राजनैतिक उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर देशभक्त देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के प्रयास कर रहे थे, दूसरी ओर समाज सुधारक उन रूढ़िवादी परंपराओं के विरोध में आंदोलन कर रहे थे जिन्होंने समाज को खोखला कर दिया था। यद्यपि विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुए वर्षों बीत चुके थे, फिर भी जनमत इसके पक्ष में नहीं था। सन 1883 की बात है, मराठी पत्रिका केसरी में एक कविता छपी जिसमें महिलाओं की दुर्दशा का वर्णन था। इस कविता का धोंडो पर गहरा असर हुआ। केशव, 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 तुमने कुछ सुना? नरहर, देखो केसरी में कितनी मार्मिक कविता छपी है। बंद करो ये अत्याचार अपनी इन असहाय बहनों को। पहले मेरी बात सुनो धोंडो। राम भाव जोशी ने अपनी विधवा बहन का पुनर्विवाह कराया है। क्या सच? हाँ, उसके माता पिता ने भी विरोध किया लेकिन उसने किसी की ना मानी। ये तो बहुत अच्छी खबर है नरहर। कम से कम हमारे एक मित्र ने तो साहस का परिचय दिया। तुम्हारा इशारा मेरी ओर है ना? मेरी तीनों बहनों का विवाह छोटी उम्र में हुआ और सभी युवावस्था से पहले विधवा हो गई। सच मानो धोंडू, मैंने बहुत चाहा कि अक्का मेरी बड़ी बहन विधवा का रूप धारण ना करे, लेकिन हमारी बूढ़ी चाची ने मजबूर कर दिया। वही वही तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस बच्ची को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसका ब्याह रचाते हैं, उसके विधवा हो जाने पर हम उसके साथ कसाईयों जैसा व्यवहार क्यों करने लगते हैं, क्यों करने लगते हैं, उसका तरह तरह से तिरस्कार क्यों करते हैं। अगर वो विधवा हो गई तो इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो हमारा है धोंडो। मेरी मझली बहन गोदूबाई का विवाह तब हुआ जब वो केवल 8 वर्ष की थी और उसके पति 25 वर्ष के थे। विवाह के 3 महीने बाद ही पति की मृत्यु हो गई और गोदूबाई विधवा हो गई। और विधवा होते ही उसके जीने के सब अधिकार छिन गए। अरे यही तो लिखा है इस कविता में। अरे हाँ, तुम केसरी में छपी कोई कविता सुना रहे थे ना, सुनाओ ना। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार अपनी इन असहाय बहनों को, जीने का भी दो अधिकार। इस छोटी नादान उम्र में ये क्यों विधवा बनकर जिए, सबके कड़वे बोल सुने और सबका तिरस्कार सही। इनको फिर लाओ मंडप में, इनका फिर से ब्याह करो, अपनी इन बेटी बहनों में जीने की फिर चाह भरो। वाह, कितने उज्जवल भाव हैं, मुझे तो रोमांच हो आया। धोंडो केशव शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे और पत्नी घर गृहस्थी के कामकाज में। धीरे धीरे राधाबाई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और एक दिन वो चल बसी। पत्नी की मृत्यु के बाद जैसे धोंडो केशव जीवन से विरक्त हो गए, लेकिन अपने शिक्षण कार्य में लगे रहे। तभी पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से बुलावा आया और वो सन 1891 में प्रोफेसर बनकर पूना आ गए। उधर कुछ वर्ष बाद नरहर पंत की पत्नी का भी देहांत हो गया। वो अपनी मंझली बहन गोदूबाई को अपने साथ बंबई ले आए। 24 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। फिर पूना में पंडिता रमाबाई की पाठशाला शारदा सदन में पढ़ने भेज दिया। वो कई साल तक वहां रहीं। गोदूबाई के पिता कभी कभी उनसे मिलने पूना जाया करते थे। एक बार वो धोंडो केशव के घर भी गए। क्यों धोंडो, तुमने और नरहर ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? नरहर के बारे में मैं नहीं जानता,
क्योंकि जब से पूना आया हूं उससे भेंट कम ही होती है। और अपने बारे में? अपने बारे में क्या कहूं, गृहस्थी का बोझ अकेले उठाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अरे तो दूसरा विवाह कर लो, इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि मैं दूसरा विवाह किसी विधवा से ही करना चाहता हूँ। सच सच ढूंढो सच। अरे बहुत ही अच्छा विचार है, किसी असहाय विधवा का जीवन सुधर जाएगा और तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी। ये आप कह रहे हैं? बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं जिसने अपनी तीनों बेटियों को विधवा का कठोर जीवन जीते देखा है। बड़ी बेटी तो गुजर गई लेकिन दो और हैं, एक तो यहीं शारदा सदन में पढ़ती है, तुम ठीक समझो तो वो पढ़ी लिखी है, तुम्हारी योग्य है। आप उनसे बात कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच? सन 1893 में ढोंडो केशव का विवाह गोदूबाई से हो गया। इस विवाह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हुईं। बहुतों ने निंदा की, बहुतों ने समर्थन भी किया। उनके गांव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार किया। उनके बड़े भाई और मां को बहुत अपमान सहना पड़ा। प्रोफेसर करवे ने सोचा कि कानून बना देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। यदि विधवाओं की स्थिति सुधारनी है तो जनमत तैयार करना होगा। यहीं से शुरू हुआ समाज सुधार के क्षेत्र में उनका आंदोलन। कोलहटकर जी। जी। आप विधवा विवाह के प्रबल समर्थक हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ। जी मैं कहिए केशव भाई। वो हम वर्धा में विधवा विवाह के समर्थन में एक सभा करने जा रहे हैं। इसके बाद विधवा विवाह समिति बनाने की योजना है, आपका सहयोग चाहिए। अवश्य, आप तो जानते हैं ऐसे शुभ कार्यों के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ। हाँ एक सुझाव अवश्य है। हाँ कहिए। समिति के गठन के बाद विधवा विवाह दिवस भी मनाया जाए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है कोलहटकर जी, मुझे मंजूर है। प्रोफेसर करवे ने अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन किया और विधवा विवाह समिति बनाई। फिर विधवा विवाह के लिए जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने शहर शहर भ्रमण किया, सभाएं आयोजित कीं, व्याख्यान दिए, चंदा इकट्ठा किया। वो कहा करते, यदि मुझे मेरे 33 करोड़ देशवासी एक एक पैसा भी दें तो मैं बिना कठिनाई के अपनी संस्थाएं चला सकता हूं। उन्होंने कुछ विधवाओं के विवाह भी कराए, किंतु अपनी पत्नी की छोटी बहन पार्वती बाई को पुनर्विवाह के लिए राजी नहीं कर पाए। नहीं अन्ना, मैंने कह दिया ना, मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन क्यों, कारण भी तो सुनो। बस अब तो अपने नारायण को बढ़ते देखना है। आपने उसे अपने पास बुला लिया है, उसे शिक्षा दे रहे हैं, ये क्या कम है? नारायण तुम्हारा बेटा है, उसका मोह होना स्वाभाविक है। पर कुछ अपने बारे में भी सोचो पार्वती। नहीं अन्ना, आप बार बार वही सब मत दोहराया करिए। अच्छा तो कुछ नई बात कहूं? हाँ कहिए। मैं एक विधवा आश्रम बनाने की योजना बना रहा हूं, तुम उसमें क्या मदद दोगी? मैं पता नहीं, शायद भोजन बना दिया करूंगी। चलो ठीक है, मैं इतने से ही संतुष्ट हूं। प्रोफेसर करवे को एक बात ठीक ठीक समझ में आ गई थी कि जब तक
विधवा स्त्रियों की शिक्षा का ठीक प्रबंध नहीं होता तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1899 में अनाथ विधवा आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम एक नन्हे से पौधे से बढ़ता हुआ एक विशाल वृक्ष के रूप में फैल गया। प्रोफेसर कर्वे के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्हें जगह जगह से सहायता भी मिली। एक बार प्रोफेसर कर्वे के पास एक सज्जन आए। मेरी तीन लड़कियां हैं, एक 14 वर्ष की है, एक 12 वर्ष की और तीसरी 10 वर्ष की। मैं उन्हें आश्रम में भर्ती कराना चाहता हूँ। कैसा दुर्भाग्य है, क्या तीनों विधवा हैं? जी नहीं, केवल बड़ी लड़की विधवा है, लेकिन मैं तीनों को शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ। विचार तो अच्छा है। इस तरह प्रोफेसर कर्वे के मन में एक विचार आया कि केवल विधवाओं के लिए ही क्यों, सभी लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सन 1907 में उन्होंने एक महिला विद्यालय की स्थापना की। इसके लिए उन्हें बड़े बड़े लोगों से धन सहायता मिली। सन 1915 में प्रोफेसर कर्वे फर्ग्यूसन कॉलेज से रिटायर हो गए और पूरी तरह से महिला विद्यालय के कार्य में जुट गए। अन्ना, ये आज की डाक है, आप इसे अभी देखेंगे या मैं इसे वहां रख दूं? नहीं नहीं गोविंद, यहां दे दो, मैं अभी देखूंगा। जी। पता तो चले कहां कहां से पत्र आए हैं। ये लीजिए। अच्छा सर, चंदावरकर का पत्र है। और ये पुलिंदा कहाँ से आया है? अरे, जापान के इस महिला विश्वविद्यालय में तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। कितना अच्छा हो कि यहां भी ऐसा ही विश्वविद्यालय खोला जा सके। महिला विश्वविद्यालय का विचार मन में आते ही प्रोफेसर कर्वे उसके प्रयास में जुट गए। एक बार फिर धन संग्रह के लिए निकल पड़े और सन 1916 में उनका स्वप्न साकार हुआ। धीरे धीरे विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। 71 वर्ष की आयु में उन्होंने विदेश यात्रा भी की। उनके कार्य को महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित नेहरू आदि नेताओं ने बहुत सराहा। फिर वो शुभ दिन भी आया जब उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। इस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए। उन्होंने कहा, भारत के इस महान पुत्र का अभिनंदन करते हुए मुझे गर्व हो रहा है, मैं यहां इनसे आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रोफेसर कर्वे को देशवासियों का स्नेह और सम्मान भरपूर मिला। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। 104 वर्ष की दीर्घायु में उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। ढोंडो केशव कर्वे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख क्षमा शर्मा,
विशेष संयोजन ममता गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार जयमिनी कुमार, डॉक्टर सुरेश शास्त्री, बी आर एल सक्सेना, मनोज भटनागर, के एस पवार, सुनीति कोहली, एस बी लाल गोयल और प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।